नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज के अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि 17 अगस्त को ANM कर्मियों के द्वारा क्या कुछ कहे गए थे वो जानकारी हम इसमें आपको देने वाले हैं, क्या आज अपडेट है। साथ ही आप सबकी जो मांगे थे उससे पहले BTSC के द्वारा काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिस जारी किया गया और उस नोटिस का हम सारा अपडेट आपको बताए भी थे और बताएंगे भी कि क्या कुछ होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज क्या कुछ अपडेट है आप सब के लिए, क्योंकि ANM कर्मी ने 17 अगस्त को बोले गए थे कि हम लोग अपनी मांग रखेंगे काउंसलिंग के लेकर। साथ ही किसकी काउंसलिंग पहले होने जा रही है, क्योंकि BTSC ने ऐलान कर दिया काउंसलिंग को लेकर। काउंसलिंग का डेट भी BTSC के तरफ से आ चुके हैं। तो सबसे पहले किसका काउंसलिंग किए जाएंगे, जैसे कि अभी BTSC के पास 5 से 6 वैकेंसी ऐसी है जिनके काउंसलिंग करना बाकी है। तो इनमें से किन वैकेंसी के काउंसलिंग पहले किया जाएगा वो भी हम लोग जानेंगे। साथ ही आज का क्या कुछ ANM कर्मी के द्वारा जो स्टेप है वो लिए जा रहे हैं, वो सारी जानकारियां भी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यदि हम बात करें जैसे कि पिछले ये काउंसलिंग को लेकर अपडेट है और साथ ही ANM कर्मी के द्वारा जो कि पिछले सप्ताह में अपनी मांग रखी गई थी काउंसलिंग को लेकर, BTSC ऑफिस के सामने काउंसलिंग की मांग रखी गई थी, और आज के डेट में उन सारे संविदा कर्मी जो ANM कर्मी थे उनकी मांगे थी कि हम लोग मजबूती से अपनी मांग 17 अगस्त को रखने वाले हैं सरकार और आयोग के समक्ष, जो कि हम लोग की काउंसलिंग रुकी हुई है उसको लेकर। और इससे पहले आप देख सकते हैं जो कि BTSC के द्वारा काउंसलिंग को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया कि हम काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर एक्टिव है और काउंसलिंग करने जा रहे हैं, ये इस नोटिस में दिया गया है। जैसे कि इसको लेकर कोटेशन जो जारी किया गया है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे कि इसका जो 26 तक इसका कोटेशन है वो खोला जाएगा। इससे पहले जो वीडियोग्राफी के लिए जो आमंत्रित किए गए हैं जो भी सरकारी द्वारा रजिस्टर है उन सारे को, क्योंकि इसमें जो काउंसलिंग किए जाएंगे उनको वीडियोग्राफी करके वेबसाइट पर या और भी किसी पर्पज़ से रखे जाएंगे, तो इस वजह से जो वीडियोग्राफर है उसको बुलाया गया है और इसको लिए आमंत्रण खोला गया 16 से 26 अगस्त के बीच में। इसमें आप समय सीमा सारा कुछ देख सकते हैं। तो BTSC किसी वैकेंसी का तो काउंसलिंग करने जा रही है और सवाल ये है कि पहले किन की काउंसलिंग करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए अभी BTSC के पास ANM मेजर वैकेंसी है, इसमें 10,709 पोस्ट पर वैकेंसी किए जाने हैं। वही यदि हम बात करें तो EGC का भी रुका हुआ है, एक्सरे टेक्नीशियन का भी रुका हुआ है काउंसलिंग, OT का भी रुका हुआ है जो काउंसलिंग, इस तरीके से और भी वैकेंसी है जिनका काउंसलिंग अभी रुका हुआ है फिलहाल। और ये सारी वैकेंसी जो है उनकी काउंसलिंग या बहाली की प्रक्रिया BTSC के द्वारा ही पूर्ण किए जाएंगे। तो BTSC इन सारे की काउंसलिंग करने वाले हैं। तो अब आप लोगों को जल्द ही BTSC के तरफ से नोटिस देखने को मिल सकते हैं कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसको लेकर जल्द ही नोटिस देखने को मिलेंगे, या डायरेक्ट काउंसलिंग लिस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि काउंसलिंग लिस्ट का भी आप सबको इंतज़ार है कि मेरा काउंसलिंग लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो आप लोगों को जल्द काउंसलिंग लिस्ट भी देखने को मिलेंगे, और काउंसलिंग लिस्ट जो कि काउंसलिंग लिस्ट जो होते हैं वो आने से आपका सिर्फ काउंसलिंग लिस्ट ही नहीं, आपका रिजल्ट का भी पता चल जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग लिस्ट में जिन भी कैंडिडेटों का नाम रहेगा तो समझिए उनका रिजल्ट हुआ है, और जिन कैंडिडेटों का नाम उसमें नहीं रहेगा तो उनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आप लोगों को रिजल्ट समझिए या काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसे समझिए, दोनों एक ही है। काउंसलिंग लिस्ट आ गया तो समझिए आपका रिजल्ट भी आ गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को और इंतज़ार करने हैं,
आप लोगों को काउंसलिंग लिस्ट देखने को मिल सकते हैं BTSC की तरफ से, और जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट है एक्सरे का, EGC का, OT टेक्नीशियन का, वो भी अपने काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार करिए, आयोग खुद सारे वैकेंसी को एक एक करके काउंसलिंग या बहाली का प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। तो इसमें आप लोग का भी थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन बहाली का प्रक्रिया पूरे किए जाएंगे आयोग की तरफ से, तो आप लोग निश्चिंत रहें। और ANM के लेकर तो अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया गया काउंसलिंग को लेकर, लेकिन जल्द आप लोगों को भी कोई अपडेट मिलने वाले हैं काउंसलिंग या एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, क्योंकि आप सबकी तो मांग है कि हम लोगों को काउंसलिंग के ज़रिए ही बहाली की प्रोसेस किए जाने चाहिए। तो आज क्या कुछ होंगे इसके लेकर, क्या अपडेट आएंगे, वो सारी जानकारियां हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो रहा है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस तरीके से सारी जानकारियाँ चाहे BTSC को हो, स्वास्थ्य विभाग को हो, आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इसमें इतना ही, थैंक यू।